सो हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोक्स। अभी इस वीडियो में आप लोग को बाइनेंस की तरफ से आने वाले एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लूट के बारे में बताऊंगा एंड इसमें एक बहुत कमाल की ट्रिक वर्क कर रही है वो भी बताऊंगा। सो वीडियो क्लास तक देखते रहना एंड अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जाओ जल्दी जाकर के ज्वाइन कर लो क्योंकि वही तो अपना अड्डा है बॉस। तो चलिए आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो आप लोग को पता हो कि बाइनेंस पे एक ऑफर चल रहा है जहां पे आप लोग को फ्री की NFT दी जा रही है QR कोड को स्कैन करने के बदले में एंड ये वाली जो लूट है ये आज और कल दो दिन और चलने वाली है। सो इसके लिए आप लोग टेलीग्राम पे एक्टिव रहना, जैसे मैं आप लोग को QR कोड सेंड करूंगा आप लोग स्कैन करके NFT को क्लेम कर लेना। लेकिन जो दिक्कत वाली बात है वो ये है कि ये जो NFT है ये काफी ज्यादा लिमिटेड है। तो आप लोग क्या करना, आप लोगों को सबसे पहले यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो डिपॉजिट पे क्लिक करके आप लोग क्या करना, यहाँ पे आप लोग TRX सर्च कर लेना। TRX सर्च करने के बाद यहाँ पे आप लोग TRC20 वाला जो नेटवर्क आप लोग को दिखाई दे रहा है इस पे टैप करना। आप लोग को यहाँ पे TRC20 का TRX वाला एड्रेस मिल जाएगा। TRC20 का एड्रेस मिलने के बाद आप लोग इसको कॉपी करना एंड किसी भी एक्सचेंज से यहाँ पे आप लोग मिनिमम $5 का एंड मैक्सिमम आप लोग कितना करोगे तो वो आप लोग को पता चल जाएगा, आप लोग बस वीडियो को देखते रहो। मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे आप लोगों ने मिनिमम यहाँ पे $5 तक का डिपॉजिट कर लिया है। मेरे अकाउंट में आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, मेरे पास लगभग $2.37 के आसपास यहाँ पे BUSD पड़ा हुआ है। जी हाँ, जो भी TRX आप लोग डिपॉजिट करके उसको कन्वर्ट कर लेना BUSD में। देन आप लोगों को यहाँ पे होम पेज पे जाना है। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो मोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है बाइनेंस NFT का। अगर यहाँ ना शो करे तो आप लोग नीचे स्लाइड करना है, यहाँ पे आप लोगों को ट्रेड वाले ऑप्शन में शो हो जाएगा बाइनेंस NFT का। आप लोगों को इस बाइनेंस NFT वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने यहाँ पे पेज जो है पूरी तरह से लोड हो जाएगा। पेज लोड होने के बाद आप लोगों के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी सारे NFT के सेल चल रहे हैं एंड यहाँ पे जितनी भी NFT सेल हो रही है सारी की सारी $100 प्लस है। यहाँ पे आप लोग इसकी प्राइसिंग देख सकते हैं, लगभग $522 के आसपास है, BUSD के आसपास है एंड इसकी प्राइसिंग तो माशाल्लाह बहुत खूब है। खैर, हमको इनसे काम नहीं है। आप लोग क्या करना है, ऊपर में आप लोग को काफी सारे बैनर्स दिखाई देंगे। आप लोग क्या करना है, इन बैनर्स में आप लोग को ये वाला जो बैनर है आप लोग को इस बैनर को फाइंड करना है। इस वाले बैनर को फाइंड करने के बाद आप लोग क्या करना है, इस वाले बैनर पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने इस तरीके का एक पेज पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद आप लोग नीचे स्लाइड करके आना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुबई इवेंट चल रहा था, आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं जितने भी वहाँ पे आप लोग को रिवॉर्ड मिल रहे थे, जितने भी NFT मिल रही थी, सारी की सारी वो NFT जो है यहाँ पे सेल हो रही है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे तो इसकी NFT की प्राइसिंग यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लगभग $16 BUSD, मतलब $16 के आसपास है। अब देखो, कुछ तेज लोगों को पता चल गया हो कि आप लोग इसमें क्या करना है, लेकिन ध्यान से सुनते रहो। अगर आप लोग यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक करोगे तो आप लोग यहाँ पे लॉस हो सकता है। सो यहाँ पे सारे कंडीशंस को आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख लो, उसके बाद ही आप लोग इसको ट्राई करना। तो आप लोग क्या करना, आप लोग यहाँ नीचे स्लाइड करके आना। यहाँ पे आप लोग एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है रिसेंटली लिस्टेड, आप लोग इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद आप लोग यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई जो कि है प्राइस लो टू हाई, आप लोग को इस पे क्लिक करना है। आप लोग जैसे ही इस पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि NFT की प्राइसिंग कितनी कम है, $0.1 से भी कम है। लेकिन जैसा मैंने बोला कि यहाँ पे कुछ कंडीशंस है उसके बारे में ध्यान से देना है। आप लोग यहाँ पे चेक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा कि करंट बिड, मतलब इस पे बिड लगी हुई है, तो आप लोगों को इसको चेकआउट नहीं करना है। आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ, बिड वाले पे आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोग के सामने इस तरीके का पेज ओपन होगा। यहाँ नीचे में आप लोग को दिखाई देगा जो कि है प्लेस अ बिड करके ऑप्शन, तो आप लोग को इस वाले को ट्राई नहीं करना है, इसको बिल्कुल भी ट्राई मत करना, यहाँ पे आप लोग के पैसे फंस सकते हैं। आप लोग क्या करना, आप लोग इसी में इस तरीके का एक बैनर को फाइंड करना जहाँ पे आप लोग की NFT जो है इंस्टेंट के इंस्टेंट बाय हो जाए। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2.8 BUSD में यहाँ पे मेरे को एक इंस्टेंट NFT जो है मिल रही है। इस तरीके की NFT को फाइंड करने के बाद आप लोग को इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे जो बाय वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद आपने जितना भी TRX डिपॉजिट किया होगा आप लोग सबसे पहले उसको सेल करके USDT में कन्वर्ट करना, देन USDT से आप लोग उसको BUSD में कन्वर्ट कर लेना एंड यहाँ पे आप लोग को जितना भी अमाउंट होगा आपका शो हो जाएगा। आप लोग यहाँ सिंपली कंफर्म करके NFT को बाय कर लेना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे पास 2.3 BUSD है, इसलिए मैं आप लोग को बाय करके नहीं दिखा पा रहा, लेकिन चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे NFT जो है पहले से पड़ी हुई है। ओके, NFT बाय करने के बाद अभी आप लोग बैक करना। बैक करने के बाद ऊपर में आप लोग एक माई का ऑप्शन दिखाई देगा, आप लोग इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करोगे तो आप लोग के सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई जो कि है यूजर सेंटर का, आप लोग को इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद आप लोग के सामने इस तरीके का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग को दो ऑप्शन दिखाई देंगे, पहला है कलेक्शन का, दूसरा है ऑन सेल का। तो यहाँ पे आप लोग को जो कलेक्शन में आप लोग को यहाँ पे दिखाया जाएगा कि आपने कितने NFT को बाय किया है, ये जो ऊपर है ये इस वाले में। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने लगभग 3 NFT जो है पहले से बाय करके रखी है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिंपली इस पे क्लिक करता हूँ, देन आप लोग को एक NFT को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आप लोग को एक ऑप्शन दिखाई देगा जो कि है लिस्ट NFT का, आप लोग को इस पे टैप करना है। इस पे टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप लोग को नीचे स्लाइड करना है। स्लाइड करने के बाद सबसे पहले तो आप लोग को NFT को चूज कर लेना है।
NFT चूज करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को जो BNB दिखाई दे रहा है आप लोगों को इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद BUSD सिलेक्ट करना है। BUSD सिलेक्ट करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पे एक प्राइस सेट करनी है। प्राइस आप लोग उतना ही उससे ज़्यादा ही सेट करना है जितनी आपने बाय की है। जैसे मैंने यहाँ पे लगभग $2.8 के आसपास बाय की है, तो मैं यहाँ पे लगभग $9.99 जो है सेट कर देता हूँ। देन यहाँ पे मैं सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। सबमिट करने के बाद यहाँ पे सिंपली कंफर्म कर देना है। जैसे ही आप लोग कंफर्म कर दोगे आप लोग की जो NFT है वो लिस्ट हो जाएगी। लिस्ट हो जाएगी, सेल नहीं होगी, इस चीज़ का ध्यान देना, लिस्ट हो जाएगी। अब जब भी इस NFT को कोई बाय कर लेगा तब आप लोग को यहाँ पे जितना भी आपने NFT का प्राइस रखा होगा उतना आप लोग के वॉलेट में इंस्टेंट के इंस्टेंट मिल जाएगा। अब देखो कुछ लोग टेंशन लेंगे कि हो सकता है कि मेरी जो NFT है वो सेल ना हो तो क्या होगा। तो आप लोग को बताता हूँ कि इसकी जो NFT की फ्लोर प्राइस है वो खुद $3 है एंड आप लोग इससे कम में ही बाय कर रहे हो, तो आप लोग को यहाँ पे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आप लोग की जो NFT है वो तो कैसे भी सेल हो जाएगी। मैं आप लोग को प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने ऑन सेल पे लगभग 6 यहाँ पे NFT को लगाया है एंड सारी NFT जो है मैंने यहाँ पे लगभग $3 से कम में परचेज की है एंड सारी NFT को मैंने यहाँ पे लगभग $10 के आसपास में यहाँ पे सेल पे लगा रखा है। इसमें से 2 NFT मेरी सेल भी हुई है, मैं आप लोग को प्रूफ दिखा देता हूँ। तो उसके लिए क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे माई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोग को एक हिस्ट्री का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर टैप करना। हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे टैप करने के बाद आप लोग के सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप लोग को ऑप्शन दिखाई देगा जो कि परचेज हिस्ट्री, तो मैं आप लोग को सबसे पहले दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे कितने कितने USDT में कौन कौन से NFT बाय की थी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सारी जो NFT है लगभग $3 से कम ही बाय की है। इसको मैंने 3 BUSD पे बाय किया है, इसको 2.575 एंड इस तरीके से करके मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे NFT को बाय किया है। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ पे सेल कितने में किया है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सेल जो हिस्ट्री दिखाई दे रहा है इस पे टैप करता हूँ। इस पे टैप करने के बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक NFT को जो है 9.9 BUSD में लगा रखा है, लेकिन ये जो है अभी पेंडिंग में है। आप लोग इस वाले NFT को देखो, इसको मैंने 9.9 BUSD पे सेल किया है एंड ये जो सेल है ये कंप्लीटेड भी हो चुकी है एंड इसका मेरे को बैलेंस भी मिल चुका था। एंड इतना ही नहीं, मैं आप लोग को यहाँ पे और प्रूफ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं नीचे स्लाइड करोगे तो काफ़ी सारे यहाँ पे पेंडिंग में है, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखोगे तो एक जो NFT है ये मेरी 7 BUSD में बाय सेल हुई थी जो कि मेरे यहाँ पे कंप्लीटेड भी हो चुकी है एंड इसका बैलेंस भी मेरे को मिल चुका है। एंड इसके ये जो नीचे यहाँ पे $77 में मैंने जो सेल की थी वो तो मेरी खुद की पर्सनल NFT थी जो कि मैंने विन की थी। ये इसको मैंने $77 में बाय किया था। इसके अलावा यहाँ पे आप लोग जो प्रूफ दिखाना था मेरे को मेन, वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कंप्लीटेड वाला है ये $7 का है एंड एक और जो कंप्लीटेड वाला है वो लगभग $10 के आसपास का है। मतलब ट्रिक तो भाई 200% वर्क कर रही है। आप लोग के ऊपर अब डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कितना लूट सकते हो एंड कितना इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाय द वे आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना तो इसमें आप लोग एक चीज़ का ध्यान देना कि आप लोग इसमें महंगी NFTs को बाय मत करना एंड दूसरी बात ये कि आप लोग को जो बिड वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पे आप लोग को टैप करके यहाँ पे बिड नहीं लगाना है। बाकी जाओ जा करके लूट, और रात के 12 बज रहे हैं, मैं आप लोग के लिए वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। सो उसके लिए एक लाइक कर देना। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन कर लो, फ्री की NFT मिल जाएगी। बाकी मैं चलता हूँ मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय।